तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको रैंकिंग में भी ज़्यादा आसान होगा। मतलब अगर आप कोई नीश यूजुअली सेलेक्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो आपकी रैंकिंग में हो या आप एडसेंस के लिए अगर अप्रूवल लेना चाहते हैं तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम आती है लोगों को कि नीश जो सिलेक्ट करते हैं उस वजह से या तो गूगल के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर आपकी वेबसाइट नहीं आती है, या तो एडसेंस पे अप्लाई जब आप करते हैं तो अप्रूवल नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ऐसे नीशेस में काम कर सकते हैं जिससे आप रैंक भी आसानी से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी नीशेस होते हैं, साथ ही साथ आपको एडसेंस के अंदर अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो होपफुली आपको इन नीशेस के अंदर अप्रूवल मिल जाए। अब देखें, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको YMYL नीशेस, योर मनी योर लाइफ नीशेस, इन्हें अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वो एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी ChatGPT पे हूँ तो मैं ChatGPT पे आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं। अब जिस तरह मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि वॉट आर YMYL नीशेस, ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है उसके बाद मेरे पास क्या है कि YMYL स्टैंड फॉर योर मनी और योर लाइफ एंड इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंटेंट ऑफ ऑनलाइन कंटेंट एंड वेबसाइट्स दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन पर्सन्स हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल वेलबींग। YMYL niches are areas of expertise or topics that fall within this category. These niches cover subjects that are particularly important and potentially risky for individuals, and they often involve making important life decisions. मतलब YMYL niches वो होते हैं जो कि किसी एक इंसान की health पे एक significant impact create कर सकते हैं, या उसके financial status पे, या उसकी financial stability पे, या उसकी ओवरऑल वेलबींग पे। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, हेल्थ एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल एडवाइस, लीगल इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड करंट इवेंट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैंने इसे इन डेप्थ नहीं बताया था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर आपको बता दूं। अब देखें, जो हेल्थ वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि मेडिकल कंडीशंस या ट्रीटमेंट, फिटनेस, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ। फाइनेंशियल एडवाइस के अंदर आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, फाइनेंशियल मैटर्स। लीगल इन्फॉर्मेशन में लीगल एडवाइस और रिसोर्सेज, या लॉ, इमिग्रेशन, ये सारी जो चीज़ें होती है उसके अंदर। फिर न्यूज़ एंड करंट इवेंट्स, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो क्या क्या हैं, और वो डिसीजन मेकिंग या कोई ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, वो जो है वो भी एक YMYL नीश है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर जिस तरह ये सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इमरजेंसी और पर्सनल सेफ्टी। नीचे अगर आप देखें तो लिखा है कि गूगल फॉर इंस्टेंस प्लेसेस अ हाई एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ YMYL कंटेंट इन इट्स सर्च रैंकिंग्स। दिस इज बिकॉज इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन दीज नीशेस कैन हैव सिग्निफिकेंट रियल वर्ल्ड consequences. Therefore, website owners and content creators in YMYL niches are expected to provide trustworthy and authoritative information to ensure the well-being and safety of their readers or viewers. मतलब Google बहुत ही ज़्यादा importance देता है इस niche के अंदर और इन niches के अंदर, और इन जो ये जो niches होते हैं YMYL niches, इसके अंदर Google बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि स्क्रूटनी करता है किसी भी एक वेबसाइट की, कि वो कितनी ज़्यादा रिलायबल है, वो कितनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसी वजह से आप कोशिश ये करें कि आप इन नीशेस को अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इन नीशेस के अंदर में से किसी एक नीश पे भी काम करेंगे तो आपको, आप रैंक नहीं करेंगे या आपको एडसेंस पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मगर इन नीशेस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और गूगल न्यू वेबसाइट्स को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ एडसेंस में अप्रूवल लेने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, मिलता है लोगों को अप्रूवल। मेरी भी एक वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, जो कि हेल्थ नीश के अंदर है, प्रेगनेंसी के बारे में, मगर उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, और वो आप समझ लें कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसके अंदर हम लोगों ने कभी कोई ऐसी बात की हो जो कि किसी मेडिसिन के बारे में हो या किसी तरह किसी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करे, नहीं, बल्कि उस ब्लॉग के अंदर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक औरत के या एक मदर के,
तो वो क्या होते हैं, वो शेयर किए थे। और जहाँ पर भी कहीं पे कोई मेडिकल रेफरेंस देना होता था तो हमने हमेशा किसी ना किसी एक बड़ी वेबसाइट को रेफरेंस किया, अपनी तरफ से कोई भी नहीं दिया ओपिनियन, ठीक है। इसी वजह से अप्रूवल मिला था। पहले एक मरतबा वो वेबसाइट रिजेक्ट भी हुई थी। लेकिन बहरहाल इन नीशेज़ के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि रैंकिंग में एक तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, साथ ही साथ अगर आप बिगिनर हैं तो वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन किस तरह डालनी है वो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होगी, साथ ही साथ एडसेंस के ऊपर कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें इन नीशेस को अवॉइड करें। अब आप कौन कौन से नीशेस पे काम कर सकते हैं, मैं एक विकिपीडिया का लिंक डाल दूंगा लिस्ट ऑफ हॉबीज़ का, आप इस इन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कुकिंग है, क्रिएटिव राइटिंग, डांस, ड्राइंग, बास्केटबॉल, गार्डनिंग, पेंटिंग, निटिंग, स्क्रैप बुकिंग, स्कल्पटिंग, सोइंग, सिंगिंग, वुड वर्किंग, रॉक क्लाइंबिंग, सेलिंग, ये आपको नीशेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप ChatGPT से भी कोई, अगर आपको नीश समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे विकिपीडिया पे या गूगल से, तो आप ChatGPT से भी आइडिया ले सकते हैं। उसमें आपको करना ये होगा कि आपको ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट देना होगा कि सजेस्ट मी, मिसाल के तौर पर मैं 20 देता हूँ कि सजेस्ट मी 20 नॉन YMYL नीशेस फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर आर 20 non-YMYL, your money or your life, non-YMYL niches for blogging. उसमें अब मुझे 20 मिल गए हैं, लेकिन अब आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब ट्रैवल एंड एडवेंचर या फूड एंड कुकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, पेरेंटिंग एंड फैमिली, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, लाइफस्टाइल या होम डेकोर या पेट केयर। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नीशेज़ हैं, आप चाहें तो इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इनमें काम करना डिफ़िकल्ट होता है। इससे अच्छा एक तरीका ये होता है कि आप अब इसी के ऊपर एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव सजेस्ट माइक्रो नीशेस फॉर ईच कैटेगरी। अब यहां से आपको ChatGPT माइक्रो नीशेस देना शुरू स्टार्ट कर देगा। अब देखें, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो ब्रॉड नीश है ट्रैवल एंड एडवेंचर, अब इसमें क्या क्या माइक्रो नीशेज आ सकते हैं या सब नीशेज आ सकते हैं। बजट ट्रैवल फॉर सोलो फीमेल बैकपैकर्स, ये देखें आप कितना ज़्यादा माइक्रो चले गया है अब यहाँ से नीश हमारा। एडवेंचर ट्रैवल फॉर फैमिलीज विद यंग चिल्ड्रन, सस्टेनेबल ट्रैवल इन स्पेसिफिक रीजन, फूड एंड कुकिंग, अब देखें आपको पता है कि बहुत ही ब्रॉड नीश है, अब उसके अंदर क्या क्या सब कैटेगरीज आ सकती हैं या माइक्रो नीश आ सकते हैं। वीगन डिजर्ट रेसिपीज, ग्लूटेन फ्री कुकिंग फॉर बिगिनर्स, इंटरनेशनल स्ट्रीट फूड एडवेंचर्स। इसी तरह एक अगर मैं फोटोग्राफी में चले जाऊँ, फोटोग्राफी में क्या क्या नीशेज़ आते हैं, मैक्रो फोटोग्राफी ऑफ इंसेक्ट्स, अर्बन लैंडस्केप फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी फॉर बिगिनर्स, फिटनेस एंड वेलनेस में योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट्स या नेचुरल रेमेडीज फॉर कॉमन एलिमेंट्स। मगर आप कोशिश ये करें कि फिटनेस और वेलनेस को भी जितना हो सके थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि उन इन नीशेज़ के अंदर भी रैंक करना मुश्किल होता है। चाहे भले आपको ChatGPT सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप इन्हें फिर भी अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये देखें, ग्रीन लिविंग एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर अर्बन गार्डनिंग इन स्मॉल स्पेसेस, सस्टेनेबल फैशन फॉर किड्स, जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल टिप्स, ये आपको नीशेस मिल गए। और अगर आप चाह रहे हैं तो इसके अलावा आप और भी दे सकते हैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट्स के, सजेस्ट मी मोर नीशेस एंड माइक्रो नीशेस बट डू नॉट इंक्लूड YMYL नीशेस। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, लेकिन खैर अब ये और मेरे पास नीशेस आ गए यहाँ से। मैं ChatGPT को जितने देते जाऊँगा मुझे और नीशेस मिलते जाएंगे। इसके अंदर और क्या है, एंटरटेनमेंट के अंदर क्या है, मूवी रिव्यूज़ एंड एनालिसिस है, नीश टीवी शोज़ एंड फैन थियरीज है, म्यूज़िक के अंदर इंडी म्यूज़िक डिस्कवरी, लर्निंग टू प्ले स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आउटडोर्स एंड एडवेंचर। इसके अलावा आप अब देखें, अब आपको और ज़्यादा नैरो डाउन करना है तो आप अब समझे कि मैंने एक अगर मैंने एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस ले लिया, ठीक है, सजेस्ट मी मोर माइक्रो नीश आइडियाज फॉर स्पेस, तो मैंने दे दिया एक प्रॉम्प्ट के, सजेस्ट मी मोर माइक्रो नीश आइडियाज फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस, तो अब मुझे ChatGPT और थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स दे देगा ब्लॉगिंग के लिए। एस्ट्रोनॉमी फॉर किड्स एंड एजुकेशन, उसके अंदर क्या है कि क्रिएटिंग एस्ट्रोनॉमी लेसन प्लान्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल्स, स्टेलर एस्ट्रोफोटोग्राफी एक है, स्पेस कॉलोनाइजेशन एंड फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, ये एक नीश आ गया, स्पेस न्यूज़ आ गया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें आप।
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एस्ट्रोनॉमी फॉर अर्बन ड्वेलर्स. तो ये देखें, अब यहाँ से आपको बहुत सारे नीश के आइडियाज़ मिल जाएंगे. ये आपकी मर्जी है, आपको जो नीश सेलेक्ट करते हैं आप वो आप खुद देख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन अब आपने एक नीश सेलेक्ट तो कर लिया, अब आप उसे किस तरह वैलिडेट करेंगे कि जिस नीश पे आप काम करेंगे वो उसके अंदर गूगल की सर्चेस है भी या नहीं है, ये चीज़ आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल इस्तेमाल करें, या कोई भी कीवर्ड जनरेटर, ये आपकी मर्जी है. मैंने लिख दिया सस्टेनेबल इको टूरिज्म. मैं US में रहता हूँ, मतलब मैं नहीं रहता, मतलब जो मेरे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वो US के जो लोग होते हैं उन्हें टारगेट मैं सिर्फ वही करता हूँ, तो मैं लोकल रीजन्स को टारगेट नहीं करता हूँ. तो मैंने लिख दिया नीश सस्टेनेबल इको टूरिज्म. अब आप देखें वॉल्यूम कुछ भी नहीं, 0 to 10, मतलब ये नीश काम का नहीं है. इस नीश माइक्रो नीश के अंदर आप नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है, सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है. इसी तरह अब आप चले जाएं, एक नीश है अर्बन गार्डनिंग का, ठीक है. मैं चले गया और मैंने Ahrefs के अंदर लिख दिया अर्बन गार्डनिंग. अब यहाँ से आइडिया होगा कि क्या इस नीश के ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं. अब अर्बन गार्डनिंग के अंदर ठीक है वॉल्यूम है, इसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स भी हैं, अर्बन गार्डनिंग मैगजीन्स है या अर्बन गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स है, वर्टिकल अर्बन गार्डनिंग, लेकिन डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा है. अर्बन गार्डनिंग अगर मैं ऐसे गूगल में देखूं, अर्बन एग्रीकल्चर, ये नीश फिर भी अच्छा है. मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है. अगर आप क्लस्टर्स में काम करेंगे तो चांसेस होंगे कि आप रैंक कर जाएं इसके अंदर. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं और के ये एक नीश है होम स्कूलिंग विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. अगर मैं इसे सर्च करूं और मैं इसे देखूं कि ये, इस तरह आप कोई भी नीश को वैलिडेट कर सकते हैं Ahrefs में आके या सिंपल गूगल सर्च भी करके. ये आपकी मर्जी, आप किस तरह करना चाह रहे हैं. नो कीवर्ड आइडियाज मेरे पास कोई भी नहीं है इसके लिए. इस नीश को हम अवॉइड करेंगे. गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग में एक है जैपनीज जेन गार्डन्स. ये एक लग रहा है नीश के शायद इसके अंदर थोड़े कीवर्ड्स मिल जाए मुझे, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा. ठीक है, इसकी वॉल्यूम कम है तो मैं इसे भी अवॉइड करूँगा. हालांकि इसके अंदर आपको रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इन नीशेस का. इसके अलावा मोटर क्रॉस रेसिंग टेक्निक्स, इसे मैं देखूंगा गूगल में. ओ Ahrefs में इसमें क्या है, नहीं मोटर क्रॉस टेक्निक्स नहीं. ये अब आप देखें इस तरह आप नीश को वैलिडेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा नीश ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, जो कि आपको जिस पे आप काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वैलिडेट भी कर सकें कि इसकी सर्चेस भी है या नहीं गूगल में. आप ये एक नीश है DIY वुडवर्किंग प्रोजेक्ट्स. इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, मतलब ये तो खैर डिफ़िकल्ट होगा इसे रैंक करना, लेकिन फिर भी आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम किसी भी कीवर्ड पे किसी भी नीश के अंदर अगर आपको 1000 भी नज़र आ रहा है, और अगर आप क्यूमुलेटिव टोटल भी करते हैं 1000-2000 है, तो आप उस नीश पे काम कर सकते हैं. क्योंकि उसके बाद फिर आपको रिलेटेड सर्चेस भी मिलती हैं, साथ ही साथ आपको बाकी जगहों से भी ट्रैफिक मिलता है. एक है एग्जॉटिक बर्ड ब्रीडिंग एंड केयर. इससे मैं ये नीश एक अच्छा है तो मैं केयर को यहाँ से हटा दूँ, सिर्फ अगर मैं एग्जॉटिक बर्ड ब्रीडिंग पे रहूँ. नहीं, इस पे भी नहीं है. खैर ये एक नीश हो सकता है बर्ड ब्रीडिंग. इस नीश में मुझे देखना पड़ेगा बर्ड ब्रीडिंग के अंदर के, ठीक है बर्ड ब्रीडिंग में भी कम है तो ये भी मैं अवॉइड कर दूंगा. इसे आप ज़्यादा इस पे आप नहीं कर सकते ज़्यादा फोकस. इसके अलावा अगर मैं और देखूं तो रॉक क्लाइंबिंग अगर मैं चेक करूं, ये एक नीश है, ये एक हॉबी भी है बेसिकली और स्पोर्ट भी कह सकते हैं आप इसे. तो रॉक क्लाइंबिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है सर्चेस का, और रॉक क्लाइंबिंग फॉर बिगिनर्स अगर मैं सर्च करूं तो इसके अंदर भी अच्छा है, मतलब 450 सही है. इंडोर रॉक क्लाइंबिंग, ये एक और आपको नीश मिल गया सही है Ahrefs से. ये मैंने ही है. अब ये इस पर हो सकता है कि शायद सर्चेस ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन खैर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन KD फिर भी अच्छा. KD का जिस तरह मैं कहता हूँ कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये आप इसे एक सेट रूल नहीं समझें, यह आपकी मर्ज़ी है.
आप चाहें तो फॉलो करना चाहें तो करें, लेकिन मैं इतना नहीं करता, मैं मैनुअली कॉम्पिटिशन को एनालाइज करता हूँ गूगल पे आके कि एक एक वेबसाइट के अंदर उसकी कितने बैकलिंक्स हैं या वो वेबसाइट के अंदर वो कितनी पुरानी है, वो टॉपिक क्लस्टर्स में काम करती है या नहीं करती, और क्या मेरा ऐसा कंटेंट होगा जो कि उसे आउटरैंक कर सकेगा या नहीं। ये एक है रॉक क्लाइंबिंग वॉल फॉर किड्स, ये एक और नीश हो सकता है। तो इस तरह आप अपने नीशेस खुद आके और चैट जीपीटी से चाहें तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप विकिपीडिया पे लिस्ट ऑफ हॉबीज़ की एक मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर ना आप अपना ब्लॉग सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, वो आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें ब्लॉगर को अवॉइड करें, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो आप अगर नया ब्लॉग सेटअप करना चाह रहे हैं तो फिर आप ज़रूर वर्डप्रेस पे करें। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जिस तरह मैंने कहा कि ये तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आप किस तरह नीश सेलेक्ट कर सकते हैं, कोशिश हमेशा ये करें आपके YMYL नीशेस को अवॉइड करें, एडसेंस के अप्रूवल के लिए भी, साथ ही साथ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों चीज़ों के अंदर आप ये जो कैटेगरीज हैं इन्हें जितना दूर रहेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर है, आपको इन नीशेस के अंदर काम करना है। ठीक है, अब जैसे ये है टेनिस टेक्निक्स, ये एक नीश है, या मार्शल आर्ट्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ये एक नीश हो सकता है। तो इस तरह के आप नीशेस के अंदर काम करें जिसके अंदर आपको रैंक करने में भी थोड़ी आसानी होगी, साथ ही साथ आपको आप समझे कि आपको एक तरह एडसेंस के अंदर भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अगेन एक डिस्क्लेमर मैं फिर दे दूं, अच्छा ये भी नीश अच्छा है, वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक्स, इसके अंदर भी सर्चेस हैं। अच्छा बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था आपको कि मैं डिस्क्लेमर ये देना चाह रहा हूँ कि देखें मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप इन नीशेस के अंदर भी काम कर सकते हैं YMYL में, मगर एडसेंस का अप्रूवल मुश्किल हो जाता है और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी, उसमें तो बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी आपको। इसीलिए जो दूसरे हॉबी नीशेस होते हैं या स्पोर्ट्स के नीश होते हैं, बाकी जो लाइफस्टाइल नीशेस वगैरह होते हैं, इस टाइप की नीशेस में आपको थोड़ी आसानी होती है। अगेन एडसेंस के अप्रूवल में कोई भी अश्योरिटी नहीं होती, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट किस तरह की बनाई है, आपने किस तरह का कंटेंट डाला है, और आप इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह और बाकी आपका ओवरऑल कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा है वेबसाइट का, वो ज़्यादा मायने रखता है एडसेंस के अप्रूवल के लिए। सही है, मैं हमेशा बार बार यही कहता हूँ जितनी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं कि एडसेंस के अप्रूवल की अगर कोई भी गारंटी आपको दे रहा है तो वो आपको सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी एडसेंस के अप्रूवल की गारंटी नहीं दे सकता, वो सिर्फ एडसेंस के डिस्क्रेशन पे कि वो अप्रूव करना चाहे नहीं। आप सिर्फ अपने एंड से सारी चीज़ें कोशिश करें कि कंप्लीट रखें, अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट ज़्यादा डालें, 4 से 5 कैटेगरीज बनाएं, 40-50 पेजेस डाल के रखें, हेडर फुटर को अच्छी तरह रखें, और जो बाकी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लेमर ये सारे पेजेस, कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस, ये सारे पेजेस अपने एंड से एटलीस्ट कम से कम कंप्लीट करके रखें, ताकि अगर एडसेंस के लिए अप्रूवल आप एडसेंस से अप्रूवल चाहते हैं तो उसमें भी आसानी रहे। साथ ही साथ ये नीशेस के अंदर आप जब काम करें तो आप कुछ ना कुछ जो आपकी मेहनत होगी वो कहीं ना कहीं आप जो कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको कुछ टाइम बाद रैंकिंग के अंदर एक चेंज ज़रूर नज़र आएगा, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। अगर आप स्पेसिफिक नीशेस के अंदर जाएंगे जो कि नॉन YMYL नीशेस होते हैं, उन नीशेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।